नमस्कार, मैं रजना शुक्ला और आप देख रहे हैं सत्य केसरी न्यूज। और आज की कुछ विशेष खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। यूपी से संतोष दुबे की रिपोर्ट। यूपी के भदोही जिला में खेत में काम कर रही महिला को लगा करंट लगने से हुई मौत। और यूपी के कानपुर चमड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, राहत और बचाव कार्य जारी। यूपी में ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे डॉक्टरों पर गिरी गाज, स्वास्थ्य मंत्री ने 4 चिकित्सक किए बर्खास्त। इंजोर से बद्दी रोड पर स्थित कीरतपुर पुल का निरीक्षण। जेजेपी प्रदेश प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा और राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट मैनेजर ने निरीक्षण करते हुए कहा कि 19 जुलाई से वैकल्पिक मार्ग का कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग 3 दिनों में वैकल्पिक मार्ग तैयार हो जाएगा। मुख्य पुल बनाने के समय लगेगा, जिस कारण मुख्य वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा। और हरियाणा के पंचकुला में सीएम ने वीसी के माध्यम से पंचकुला को दी 75 करोड़ रुपए की मनोहर सौगात। विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने जिले की 5 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री द्वारा समस्त प्रदेश में 2741 करोड़ रुपए की 347 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत पंचकुला जिला के स्कूलों में 28 जुलाई तक प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में किया जा रहा जागरूक। श्रीमती वर्षा खंगवाल, अतिरिक्त उपायुक्त महोदया, पंचकुला में जवाहर नवोदय विद्यालय मौली, जिला पंचकुला में विद्यालय प्रबंधन समिति की प्रबंधक बैठक में की अध्यक्षता। 18 जुलाई को जवाहर नवोदय विद्यालय मौली, जिला पंचकुला में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती वर्षा खंगवाल, अतिरिक्त उपायुक्त महोदया द्वारा की गई। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के पश्चात श्री रूपचंद द्वारा समस्त सदस्यों का बैठक के दौरान स्वागत किया गया एवं समिति के सदस्यों के समस्त विद्यालय हित के कार्यों के लिए कार्यसूची प्रस्तुत किया गया। बैठक में जवाहर नवोदय विद्यालय के एजेंडे को प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा समस्याओं को सुना और बिंदुवार उसके निवारण हेतु अलग अलग विभागों से आए हुए अधिकारियों को इनके संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने प्राचार्य को आश्वासन दिया कि जल्द ही संबंधित समस्याओं का निवारण संबंधित विभागों से करवा दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने सेक्टर 4 के पार्क में सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित दिल गति रुकने से किए बचाव के उपाय को लेकर लगाए प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर शिवालिक बोर्ड के वाइस चेयरमैन ओम प्रकाश देवीनगर, हरियाणा सरकार में मीडिया सचिव प्रवीण अन्य और पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी व बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष उमेश सूद व पूर्व चेयरमैन अशोक शर्मा, MC सोनिया सूद, जय कौशिक भी मौजूद थे। श्री गुप्ता ने बताया कि CPR प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रदेश भर में सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट ने 50 प्रशिक्षण शिविर लगाए गए और इन प्रशिक्षण शिविरों में हजारों लोगों को दिल की गति रुकने के बाद बचाव के लिए विस्तार से जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर प्रशिक्षण शिविर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रेडक्रॉस सचिव सविता अग्रवाल, नीलम शर्मा, रमेश धनेन्द्र वशिष्ठ को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। और आज के लिए बस इतना ही। बने रहें सत्य केसरी खबरों के साथ। नमस्कार।